हेलो गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। आज का यह वीडियो दूसरे वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है और खास करके डाई हर्ड हार्ले डेविडसन फैंस के लिए यह वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मच अवेटेड हार्ले डेविडसन 300cc मोटरसाइकिल इंडिया में कुछ ही महीनों के बाद लॉन्च होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम इसी बाइक के डिजाइन, इंजन, लॉन्च डेट, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग, फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमित और आप देख रहे हैं पीएन मोटर वर्ल्ड। 2019 में हार्ले डेविडसन ने एक चाइनीज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर क्यूजी मोटर के साथ एक डील साइन की थी और ये वही क्यूजी मोटर्स है जो कि बेनेली मोटरसाइकिल्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, यानी बेनेली की पेरेंट कंपनी। बेनेली तो खुद एक इटालियन कंपनी है लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी चाइनीज है। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन और डायमेंशन से। इस बाइक को देखने के बाद आपको जो सबसे पहले चीज ध्यान में आएगी वो है हार्ली की आयरन 883, क्योंकि इस नई बाइक की डिजाइन हार्ली आयरन 833 के ऊपर बेस्ड है और कंपनी ने अभी के लिए इस बाइक की नेम SRV 300 फिक्स की है। डिजाइन में वही टिपिकल और लेजेंडरी आपको हार्ली डेविडसन की बॉबर स्टाइलिंग देखने को मिलेगी। फ्रंट में राउंड शेप क्रोम इंसर्ट LED हेडलैम्प के साथ LED DRLs, LED टर्न इंडिकेटर्स, USD शॉक एब्जॉर्बर्स और उसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स, स्ट्रीट स्टाइल हैंडल बार, ब्लैकआउट मिरर, फ्रंट में 16 इंच और रेयर में 15 इंच अलॉय व्हील्स, ट्रेडिशनल टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक, एल्युमिनियम फिनिश, फ्रंट ब्रेक लीवर, क्लच लीवर एंड साइड स्टैंड। इसके अलावा इसमें आपको टिपिकल क्रूजर या फिर बॉबर लाइक लोअर सीट हाइट और फॉरवर्ड सेट फुट पेग्स देखने को मिलेंगे। अब इस बाइक की कर्व वेट की बात की जाए तो वो है 163 kg और इस बाइक की व्हील बेस की बात की जाए तो वो है 1400 mm। और आपको ये नई हार्ली कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि आपके ओपिनियन काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका बाइक या फिर कार रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पे सबको पर्सनली आंसर देता हूँ। अब चलते हैं बाइक के दिल यानी कि इंजन की तरफ। इस बाइक में आपको 296cc V-twin मोटर देखने को मिलेगा और ये इंजन 30 horsepower तक की मैक्स पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है जो कि 300cc क्रूजर बाइक के हिसाब से काफी हाई पावर आउटपुट है। अब अगर इसके बॉडी वेट और पावर रेशियो को देखें तो ये बाइक इजीली 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है। और इस बाइक में आपको चेन की जगह टिपिकली हार्ली फैशन बेल्ट ड्राइव देखने को मिलेगा और इसकी पावर इसके सारे कंपेरेटर्स यानी कि क्लासिक 350, मीटियर 350, होंडा हाइनेस 350, जावा 42 इन सभी से काफी ज्यादा है। अब सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिलेगा और इसकी लीक्ड पिक्चर को देखें तो इसकी फ्रंट डिस्क की साइज एक्सपेक्टेड 300 टू 320 mm की लग रही है। अब चलते हैं प्राइसिंग की तरफ। सो बीइंग ए हार्ली डेविडसन इसकी प्राइस डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड, होंडा, बेनेली और जावा इन सभी से थोड़ी सी महंगी होने वाली है। अब प्राइसिंग के बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज तो सामने नहीं आई है लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस और कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस कर अगर कहूं तो मेरे हिसाब से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 2,50,000 के बीच में हो सकती है और ये एक शोरूम प्राइस है। अगर आप इसकी ऑनरोड प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको इसके साथ RTO और इंश्योरेंस और दूसरे टैक्सेस की प्राइस भी कंबाइन करनी पड़ेगी। अगर मेरे शहर कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे RTO और इंश्योरेंस इन दोनों को मिलाकर एक शोरूम से ऑनरोड की प्राइस 30,000 से 40,000 रुपए की डिफरेंस आ जाती है। तो अगर मैं इस नई हार्ले की एक्सपेक्टेड ऑनरोड प्राइस कोलकाता की बात करूं तो फिर वो 2,50,000 से लेकर 2,70,000 के बीच में हो सकती है और ये इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है। और इसकी रियल प्राइसिंग इस एक्सपेक्टेड प्राइसिंग से भी 5,000 या फिर 10,000 रुपए सस्ती हो सकती है क्योंकि हार्ले डेविडसन इंडिया में हीरो के साथ काम कर रही है और हीरो जानती है कि इंडियन कस्टमर को कौन सी बाइक कौन सी प्राइस में पसंद आती है। और इस नई हार्ले की सारे कंपेटिटर्स की ऑनरोड प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके लॉन्च डेट की तरफ। तो नई हार्ली SRV 300 इस साल के आखिर तक या फिर 2022 की फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च हो सकती है। पहले ये बाइक चाइना में लॉन्च होगी फिर उसके बाद ये इंडिया में आएगी। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आपको इस बाइक के लिए वेट करनी चाहिए या फिर नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इस बाइक की लुक्स पसंद आती है, आपको बॉबर या फिर क्रूजर टाइप की बाइक्स पसंद है और आपको एक प्रीमियमनेस के साथ साथ एक्सक्लूसिविटी भी चाहिए, यानी कि वैसी बाइक जो सड़क में थोड़ी कम दिखती है और अपनी प्रीमियमनेस बरकरार रखती है और मेनली आप हार्ली डेविडसन के फैन हैं और बहुत दिनों से एक लोअर कैपेसिटी हार्ली डेविडसन के लिए वेट कर रहे हैं तो ये आपकी ड्रीम बाइक हो सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रॉयल एनफील्ड या फिर होंडा इस सभी बाइकों से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है और हीरो मोटोकॉर्प के साथ हार्ली डेविडसन की टाई अप के बाद इसकी सर्विस क्वालिटी में आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो गाइस मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।